हेलो दोस्तों, काफ़ी लंबे टाइम के बाद एक्टर शाहरुख खान ने स्पाई थ्रिलर मूवी पठान से बड़े पर्दे पर वापसी की है। ये मूवी थ्रिल और सस्पेंस के साथ एक्शन से भरी हुई है, जिसकी स्टोरी पठान नाम के एक स्पाई के इर्द गिर्द चलती रहती है और SRK को इस मूवी में लीड रोल में देखना किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। मूवी की स्टोरी कोई बिल्कुल अलग हटके नहीं है, बल्कि किसी भी आम स्पाई मूवी की तरह ही है, जिसमें दिखाया गया है कि कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हड़कंप जैसा माहौल शुरू हो जाता है। ऐसे में पाकिस्तान एक हाईटेक प्राइवेट टेररिस्ट गैंग की मदद लेता है, जिसका लीडर जिम, जो कभी इंडियन इंटेलिजेंस फोर्स का एक सोल्जर हुआ करता था, अपने साथ हुए एक इंसिडेंट की वजह से अपने देश से नफरत करने लगता है। उसे हिंदुस्तान में ब्लास्ट करने का एक मिशन दिया जाता है, जिसके तहत उसे हिंदुस्तान में एक ऐसे वायरस को प्लांट करना होता है जो कुछ ही टाइम में पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। इस बात की खबर जब इंडियन इंटेलिजेंस को लगती है तो वो जिम के अगेंस्ट अपने एक काबिल एजेंट पठान को बुलाती है, जो अपने देश को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और इस मिशन के दौरान ही पठान की रुबीना मोहसिन से मुलाकात होती है, जो कि इस मिशन में पठान के साथ आती है। अब क्या पठान इस खतरनाक टेररिस्ट अटैक से अपने देश को बचा पाएगा, या उसकी पीठ पर धोखे का एक खंजर भोंक दिया जाएगा, यही मूवी की स्टोरी का प्लॉट है। एक्टिंग के मामले में मूवी की पूरी स्टारकास्ट ने अच्छी एक्टिंग की है। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने मूवी की स्टोरी को काफी शानदार तरीके से पर्दे पे उतारा है। मूवी के एक्शन ट्विस्ट एंड टर्न्स काफी रोमांचक हैं और शाहरुख खान मूवी के हर फ्रेम में जबरदस्त लगते हैं। रूबिका के किरदार में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ठीक ठाक लगती हैं, वहीं टेररिस्ट जिम के रोल में एक्टर जॉन अब्राहम कहीं कहीं SRK पे भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। मूवी में एक्टर सलमान खान का कैमियो इसे और भी दिलचस्प बनाता है, और ट्रेन वाले सीन में SRK और सलमान खान साथ में एक्शन करते हुए वाकई कमाल के लगते हैं। फाइनली कहें तो पठान पावर पैक्ड एक्शन, थ्रिल, सस्पेंस, डायलॉग्स और देशभक्ति से भरी हुई एक पैसा वसूल मसाला मूवी है, जो कि एक्शन के शौकीन और SRK के फैंस को पसंद आएगी। और वैसे जहां बात मसाला मूवी और सुपरस्टार के कॉम्बिनेशन की हो, वहां स्टोरी या सीक्वेंस में लॉजिक ढूंढना सही भी नहीं है। स्टोरी लाइन के मामले में भले ही मूवी कमजोर है, मगर जिस तरह के एक्शन और डायलॉग्स मूवी में परफॉर्म किए गए हैं, उनके चलते बाकी कमियों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।